like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. खजाने, अनगिनत और अनमोल, ये भारत के कोने कोने में छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक खजाना है हमारी सभ्यता का खाना। जो सदियों से लोगों को जोड़ता आया है और रंजिशों को मिटाते आया है। लेकिन खजानों की तरह ऐसे कई खानों की रेसिपीज है जो कहीं खो सी गई है। इन्हीं लॉस्ट रेसिपीज की खोज न सिर्फ हमें पूरा इंडिया घुमाएगी बल्कि कल्पना से परे जायकों से रूबरू करवाएगी। इन रेसिपीज को सिर्फ किताबों, कहानियों और यादों में नहीं बल्कि हर किचन में होना चाहिए। लॉस्ट रेसिपीज। आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरांध्र, जो कि एक तरफ नीले समुंदर की लहरों को चूमता है और दूसरी तरफ पूर्वी घाट के पहाड़ों के द्वारा आसमान को छूने की कोशिश करता है। इन पहाड़ों के बीच छुपे हैं सदियों पुराने राज, जिनको अपने सीने से लगाकर रहती है यहाँ अराकू वैली की ट्राइबल जातियाँ। अराकू वैली विशाखापट्टनम से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और आज हमारी लॉस्ट रेसिपीज की खोज हमें लेकर आई है यहाँ के एक छोटे से गाँव में, जहाँ के रहने वाले कोटिया आदिवासी कहलाते हैं। इनके लिए प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है, यही इनकी जीविका भी है और यही इनका भगवान भी। प्रकृति की सुरक्षा ये हर चीज में करते हैं, जैसे कि पत्तों को तोड़ने से पहले ये पेड़ की क्षमा मांगते हैं और इसी प्रकृति के लिए प्यार झलकता है इनके रहने और खाने के तरीकों में। नमस्ते। नमस्ते। और ज्योति जी, ये आप क्या लाए हैं? ये आम पत्तर। दिखाइए, ये आम का पत्ता। आम का पत्तर है। ओके, वाह, वंडरफुल। तो आज हम एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प रेसिपी बनाने वाले हैं। ये देखिए, हमारे पास है ये एक बांस का बना हुआ फ्रेम है और इसके साथ हमारे पास है ये आम के पत्ते और हमारी जो आज की रेसिपी है वो इन दोनों चीजों के साथ बनने वाली है। इस रेसिपी का नाम क्या है? कोड़ी ममसपु मुक्कलु। कोड़ी ममसपु मुक्कलु। और इसका मतलब क्या है? कोड़ी मतलब चिकन, ममसपु मीट, मीट मीट, मुक्कलु फिश, पीसा, छोटा पीस करेगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था आपसे, ये एक प्राचीन, बेहद प्राचीन रेसिपी है। यहाँ की भाषा, यहाँ के तौर तरीके हमसे अलग हैं, लेकिन यही तो मज़ा है कि आज हम इस रेसिपी के द्वारा इनके कल्चर के साथ घुल मिल जाएंगे और इनके इतिहास में एक बार वापस फिर जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ये बेहद दिलचस्प और खोई हुई रेसिपी, कोड़ी ममसपु मुक्कलु। करेक्ट? यस। चलो कुकिंग करते आइए। आंध्रा में अराकू वैली में बहुत सारी ट्राइबल जातीज रहती हैं। उनका खान पान, उनका रहन सहन, वहीं की नेचुरल चीजें जो उगती हैं, जो मिलती हैं, उन्हीं के अराउंड घूमता है। देयर इज लॉट ऑफ बैम्बू देयर, तो बैम्बू का काफी प्रयोग है उनके खानों में, उनके रहन सहन में। एंड वहाँ पे मीट, चिकन, इन सब का प्रेडोमिनेंस ज्यादा है, ज्यादा यूसेज है। प्लस बहुत सारी हर्ब्स एंड श्रब्स आर अवेलेबल, तो उन्हीं के प्रयोग से उनका खाना घर का चलता है। जोया जी बताइए, ये क्या है जी? हमारे मसाले क्या है ये? लवंग, यानी कि लौंग, शक्कर, यानी कि दालचीनी। ओके, अलम, अलम यानी अदरक। नई नई लैंग्वेज भी सीखने को यहाँ पे हमें मिल रही है। जो जी, ये क्या है? पच्ची मिर्चा, यानी कि हरी मिर्च। ओके, वेलुली, वेलुली यानी कि लहसुन। धनिया, धनिया आलू यानी कि धनिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ मसाले के पाउडर हैं। ये क्या? जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, ये मेरा पकारम, मेरे पकारम, कारम,
यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, ये क्या है सर? धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर, ओके। और ये वो अपना आम पत्ता, ओके। अब ये देखिए हमारे आम के पत्ते, इसको बड़ी खूबसूरती से कोन की तरह बना दिया है, और अब इसमें हम चिकन पकाएंगे। यस जी। कभी आपने सोचा था कि ऐसे मतलब चिकन पक सकता है? मैंने तो कभी नहीं सोचा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्या करना है जोय जी, बताइए। सबसे पहले तो पानी में हम कुछ खड़े मसाले डाल रहे हैं, दालचीनी, लौंग, धनिया के बीज। हल्का सा कुटा हुआ अदरक, अब जाने वाला है लहसुन, और अब जोयो जी इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च। तो ये तो हो गई हमारा पहला हिस्सा इस रेसिपी का। अब क्या करेंगे जोयो जी? इंद्रो ये वेदुर का राज, इंद्रो पेटा क्या बोले? बांस के ये अड़ी भी अटक दिया है। हाँ ओके। अभी अभी क्या करेगा आगे? अभी आम पत्तर में वो चिकन रखेगा। ओके तो ये है मतलब जिसे बोलते हैं इस लॉस्ट रेसिपी की अनोखी चीज। ये रेसिपी आजकल देखने को नहीं मिलती, एंड इट इज वन ऑफ द लॉस्ट रेसिपीज, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत है। इसमें सामान ढूंढना, बैम्बू का मैश बनाना, इट इज नॉट इजी, और बहुत कॉमनली आदमी कर नहीं सकता है। आजकल के जमाने में लोगों के पास समय नहीं है, आजकल के जमाने में लोग इतनी मेहनत और नहीं करना चाहते, और घर के आसपास इतनी सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आजकल ये रेसिपी का प्रयोग बहुत इजीली नहीं होता है कहीं। इसको बोलते हैं लाजवाब तरीका। कितना टाइम पकेगा? आधा घंटा? आधे घंटे के लिए पकने वाला है। नीचे से जब फ्लेवर वाला पानी का फ्यूम्स आ रहे हैं, दैट स्टीमिंग इज हैपनिंग, उसके अंदर इन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंगो के पत्ते के फ्लेवर्स का, नीचे से स्पाइसेस का, और स्लो कुकिंग की वजह से वो चिकन बहुत सॉफ्ट रहता है। जयंत जी, पक गया? हो गया। एकदम। चलो देखते हैं, सर निकालिए इसको। अब क्या करना है, इसे खोलें? खोल दे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो चिकन के पीस हैं वो पक चुके हैं अंदर तक। अभी भी बहुत ही नरम और मुलायम है, और ये जो हमारे जो पत्ते हैं आम के पत्ते, इनकी हल्की सी महक भी इस चिकन के अंदर आ चुकी है। तो एक प्राचीन भाप लगाने का जो तरीका हमने आज देखा है, उसमें चिकन पक चुका है। अब हम इसे दूसरी वाली जो छोटी सी वो हांडी है उसमें तेल, ये हमारे पास यहाँ कड़ी पत्ता और कुछ मसाले हैं, इसके साथ हम इस चिकन को अब तलने वाले हैं। यस चलो जी। एक गया हमारा तेल। अब इसमें जा रहा है हमारा कड़ी पत्ता। जोयो हाँ, डालेगा चिकन? हाँ रेडी है। रेडी। जो डिश है कोडीमा मौसम का, तो आज वो मुर्गी से बनाते हैं, लेकिन अवश्य पहले अलग अलग जंगली पक्षियों से बनाते थे, जैसे बटेर है, टीटर है, जंगली मुर्गियां हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग टेक्निक है, मगर अगर आप आदिवासियों के दृष्टिकोण से देखें तो आसपास की जो चीज़ें हैं उसके साथ हम लोग एडजस्ट करके बना रहे हैं, तो ये पर्यावरण के साथ रहने का जुगाड़ है। अब क्या करेंगे? नमक डाल दे। नमक मैं डालेगा? आप बोलो कितना? हाँ, जो हाँ। ओके ओके हाँ? ओके बाज बाज भाज भाज मतलब फ्राई फ्राई करना है। फ्राई करना है। वेरी गुड। अभी करम गुंड डाल देना है। करम गुंड यानी कि अपना चिली पाउडर। ओके भाजो 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 और भाजो। धनिया मसाला। धनिया मसाला डालेगा? थोड़ा। ओके ओके थोड़ा
बाजे बाजे। अब फिर से हम इसे फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। मसाला इसके जो है बिल्कुल अंदर चले जाएगा, है ना जी? करेक्ट। अभी थोड़ा सा ये जीरा पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा। और अब जोयू जी इसे फिर से भाजेंगे यानी के तलेंगे। आहा, गोल्डन ब्राउन सा रंग आ चुका है, महक बहुत ही बढ़िया है और मेरे ख्याल से ये तैयार है। जोयू जी रेडी है? हाँ, रेडी। अब वक्त आ गया है इसे टेस्ट करने का। थैंक यू, आप भी लीजिए। गाउटी मुर्गी का जो टेस्ट होता है आग के ऊपर बना हुआ, हमारे आम के पत्तों में उसको हमने जो डाल के भाप लगाया है, एक बखूब और बढ़िया डिश बनी है। हाँ बढ़िया। ये एक ऐसी रेसिपी है जो मैं तो हमेशा ही याद रखूंगा, और बेशक आपके घर में, आपके किचन में आप ये सब चीजें ना इकट्ठा कर पाए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप भी इस प्रकार का जो चिकन फ्राई है, एक तरीके से प्राचीन स्टाइल का, आप भी इसे जरूर ट्राई करिए। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। वैली के ट्राइबल जातियों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास जीवन की हर खुशी को प्राप्त करने का राज है। जहां एक तरफ उत्तर आंध्रा के पर्वत हंसी खुशहाली के गीत गाते हैं, दूसरी तरफ सीमांध्रा के लोगों के लिए सागर ही इनकी जीविका है। हमारी दूसरी लॉस्ट रेसिपी की तलाश हमें समुन्दर और आंध्रा के दिल के और करीब लेकर आई है, विशाखापट्टनम के खूबसूरत शहर में। विशाखापट्टनम सदियों से आंध्रा के सीमा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा है और आज ये भारतीय जलसेना का प्रधान केंद्र है। यहाँ का समंदर ही यहाँ की पहचान है, जिसकी झलक यहाँ के खान पान में साफ नजर आती है। हम आज एक ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे जो आंध्रा पकवान की विरासत को हर घर और हर रसोई तक पहुंचाने के सफर पर चल चुके हैं, शेफ नीरज बालसुब्रमण्यम, जो पाक होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, जिनके साथ आज हम बनाएंगे हमारी दूसरी लॉस्ट रेसिपी। तो क्या है ये रेसिपी का नाम? नारा चिंतचिगरू रॉयला बनाने वाले। नारा चिंतचिगरू रॉयलू। अब रॉयलू का मतलब तो मैं जानता हूँ, आई थिंक दैट इज प्रॉन इन द लोकल लैंग्वेज। ओके, बाकी What is the meaning of this? Sir, नारा तो ये टीक लीव्स होते हैं। टीक वुड का लीव। My God, ये देखिए तो खास इस पत्ते में हम इसे पकाएंगे। हाँ जी। तो नारा याने टीक का पत्ता, टीक के पेड़ का पत्ता, फिर बचा चिंतचिगरू। चिंतचिगरू होता है इमली के पेड़ का पत्ता। तो ये इसमें दैट इज इट। ओके, तो ये हमारे पास में है इमली के पत्ते। तो बहुत ही अनोखी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जिसमें टीक के पेड़ का पत्ता और इमली के जो पत्ते हैं, दोनों का हम प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वाओ, फैंटास्टिक। तो शेफ, आपका क्या ख्याल है, ये जो इतनी बढ़िया सी रेसिपी है, ये क्यों खो चुकी है? मेरा मानना है कि ये बहुत नजाकत वाली रेसिपी है। हाँ। जहाँ लोगों को थोड़ा थोड़ा प्यार और थोड़ा टाइम निकाल के इस चीज को बनाना पड़ता है, और थोड़ी मेहनत भी इन्वॉल्व है जी। और आजकल लोगों के पास उतना टाइम है नहीं। बिल्कुल। तो जहाँ हम इमली के पत्ते यूज कर रहे हैं, जहाँ उनका बहुत ही एक सटल फ्लेवर हुआ करता था, उनको उसे टैमरिंड से रिप्लेस कर लिया गया। बिल्कुल, जो आंध्रा कुकिंग में आज बहुत कॉमन है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत प्रेडोमिनेंट है एक्चुअली। काफी काफी डिशेज में इमली का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में लगता था कि वो जैसे इमली के पत्ते, जिसका हल्का सा एक अलग ही फ्लेवर आएगा। करेक्ट। और ये मेरे ख्याल जो टीक के पत्ते हैं, ये भी आई थिंक मिलना बहुत
हाँ मिलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, मुझे भी 4-5 दिन लग गए उन्हें, मतलब ढूंढना पड़ा कहाँ। 4-5 दिन है जी। तो अब आपको समझ आ चुकी है कि ये ऐसी रेसिपीज वक्त के साथ क्यों गुम जाती हैं, लेकिन आज हम उसी पुरानी रेसिपी को एक बार फिर याद करेंगे, याद करेंगे और जिंदा करेंगे। सो शेफ शुरू करें। शुरू करते हैं सर। पहले तेल डाल देंगे। ओके, तो तेल अच्छी तरह से अब गर्म हो चुका है, अब तड़का जाएगा। राई का बीज, थोड़ा जीरा, राइट, थोड़ी सूखी लाल मिर्च, खूब सारी। तो मसाले अब अच्छी तरह से फूट चुके हैं, मतलब अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आ रही है, बहुत महक आ रही है। अब शुरू करेंगे अदरक और लहसुन के साथ, कटा हुआ लहसुन बारीक और जूलियन किया हुआ अदरक। तो अदरक और लहसुन जो है अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, कच्चापन उसका जो है वो निकल चुका है। अब हम प्याज डालेंगे, चॉप किया हुआ प्याज, हल्का सा नमक, ताकि मतलब प्याज जो है अपना पानी छोड़ दे। हाँ, पानी छोड़ दे और जल्दी पक जाए। हल्का सा पक चुका है प्याज, तब हम थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दें। कड़ी पत्ता, वाह, कड़ी पत्ता डालते ही जो महक है एब्सोल्युटली बढ़िया, वाह। तो अब कड़ी पत्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और प्याज भी भून चुके हैं। अब क्या करेंगे शेफ नेक्स्ट? अब थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। राइट, तो हमने इसमें फाइनली चॉप्ड अदरक भी डाला है, फाइनली चॉप्ड लहसुन भी डाला है, और उसके बाद फिर से हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट एक साथ घुल जाते हैं जी, और एक मिश्रण फॉर्म हो जाता है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब जो खुशबू है बिल्कुल ही ट्रेडिशनल, कोस्टल आंध्रा का, मतलब की जो खुशबू है वो इस बर्तन से हमारे निकल के आ रही है। तो हम अभी कुटे हुए मसाले डालेंगे। राइट, हल्की सी हल्दी, कुटा हुआ लाल मिर्च। दिस इज द गुंटूर चिली। हाँ सर, दिस इज द गुंटूर चिली व्हिच इज टिपिकली ऑफ आंध्रा। चिलीज हिंदुस्तान में लाई गई थी, इसका मेंशन कोई 16वीं शताब्दी के शुरुआत में देखा गया है। पोर्चुगीज इसको लेके आए थे कोचीन और गोवा के थ्रू, हिंदुस्तान में ये आई। सो आंध्रा में गुंटूर एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ बहुत सारी चिलीज उगाई जाती हैं। गुंटूर मार्केट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया और इवन इन द वर्ल्ड। और जाहिर सी बात है, जब जिस एरिया में इतनी सारी मिर्ची उगाई जाएगी, इतनी वैरायटी की मिर्ची उगाई जाएगी, तो उसके कुजीन में उनका प्रयोग करना जाहिर सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम डालेंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, अभी हल्का मसालों को भून लें जी। हल्का सा पानी डालेंगे कि मसाला ना जले। तेल जो है मसाले ने छोड़ दिया है, इसका मतलब कि मसाले हमारे अब अच्छी तरह से पक चुके हैं। राइट, ओके, अब हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। तो शेफ टमाटर अब गल चुके हैं, है ना? हाँ सर। ओके, अब क्या नेक्स्ट, इसमें क्या डालना है? अभी नेक्स्ट हम हरी मिर्च डालेंगे। ये लीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे अपना जो मेन अपना जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारे इमली के पत्ते। वाकई पुराने जमानों की जो रेसिपीज है शेफ, बात ही और है। जैसे आपने कहा था, मतलब प्यार से, और मतलब बिल्कुल जिसे बोलते हैं वक्त लेके, समय लेके, प्यार से जो बनाते, बिल्कुल लुकिंग गुड शेफ, बहुत बढ़िया। अभी मसाला भून चुका है और पत्ते भी गल चुके हैं, बिल्कुल ये देखिए रंग बदल चुका है, वाओ। तो अब हमने शेफ क्या करना है इसको? अभी हम इसे सर पीस देंगे। ऑलराइट, पेस्ट बनाना है बेसिकली इसका, और इसके पेस्ट से हम लोग प्रॉन को मैरिनेट करेंगे। ऑलराइट, वैसे मैंने पेस्ट रेडी करके रख दिया है। ये है हमारा पेस्ट, वाओ, ये देखिए इसका रंग बहुत ही, मतलब जिसे बोलते हैं देखने से ही लग रहा है खतरनाक। तीखा, इमली के पत्तों का फ्लेवर, साले मसालों का फ्लेवर, थोड़ा सा मस्टर्ड, कड़ी पत्ता, ये आंध्रा जो खाना होता है ना सर, ऐसे ही होता है, मतलब मुंह में पानी, सुपर, मजा आ गया। तो शेफ, मतलब प्रॉन्स के अलावा
कोई भी सी फूड फिश वगैरह के लिए ये परफेक्ट होगा राइट, मतलब यू कैन यूज दिस किसी भी सी फूड के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसे बॉटल करके आप अगर फ्रिज में भी रख दें तो मेरे ख्याल से काफी टाइम तक क्योंकि इसमें तेल का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, तेल का कंटेंट ज्यादा है तो एटलीस्ट 3-4 महीने तक तो रखिए, आराम से चल जाएगा राइट। तो अब बारी है हमारे प्रॉन्स को इस बढ़िया से मसाले से मैरिनेट करने का। पहले हम प्रॉन लेंगे जी, लवली ताजे फ्रेश प्रॉन्स, हल्का अदरक लहसुन का पेस्ट जी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च जी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, हल्का सा तेल। ओके अभी हम अपना पेस्ट डालेंगे, कितना डालेंगे? 4-5 अच्छी तरह से जेनरस। हाँ जेनरस, सो दैट कोटिंग ढंग से आए उसको। नमक, धनिया और अब नींबू का रस, नींबू का रस थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए हल्का देसी घी डालेंगे और अब हम कोट कर देंगे प्रॉन्स को अच्छी तरह से इस मैरिनेड में। बेहतरीन रंग इसका आया है नहीं शेफ? बहुत ही बढ़िया। तो शेफ अगर हम लोग मॉडर्न किचन में इसे बनाना चाहें तो ऐसे ही मैरिनेट बना के, अगर हम इसे जैसे हम लोग पत्तों में कर रहे हैं टीक के, हम इसे फॉइल में रैप करके अगर हम लोग ओवन में बेक कर दें? हाँ वो कर सकते हैं सर, पर ऑब्वियसली थोड़ा सा थोड़े से फ्लेवर्स विल बी मिसिंग। केले के पत्ते में डाल दें मतलब जैसे केले के पत्ते में डाला तो आई थिंक हाँ वी कैन पुल इट ऑफ, पुल इट ऑफ थोड़ा सा। तो हमारे जो प्रॉन्स हैं शेफ अब वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। हाँ, सर। अब हमने क्या करना आगे? अभी हम उन्हें इन टीक के पत्तों में बांध देंगे। बढ़िया, तो हमारा जो प्रॉन है अब हमने पहले टीक के पत्ते में इसे डाल दिया है, अब हम इसे कुछ टाइम इसे हम रिपीट करेंगे, जब हम इसे आग में डालेंगे उससे प्रोटेक्ट हो जाए नहीं तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसको काफी लेयर आप जरूर बनाइए। तो ये है हमारा प्रॉन का जो हमने पार्सल बनाया है राइट शेफ, अब हमने क्या करना है इसको? सर अभी हमने वहाँ पे एक भट्टी बनाई है ओके, जहाँ पे हमने फायरवुड पे हम इसको सीधा डाल के पका देंगे। चलिए शेफ चलिए। तो अब शेफ ये कितनी देर में तैयार होने वाला है? अभी हम इसे 15-20 मिनट तक पकाएंगे सर। और ये जो टीक के लीव्स होते हैं, टीकू जो कहते हैं आंध्रा में, बड़े फ्लेशी होते हैं, उसमें पानी बड़ी मात्रा में होता है, बड़ी तादाद में मॉइस्चर होता है। तो अगर आप लेयर्स में अभी उसे पैक करेंगे और बाहर से अगर आप आग लगाएंगे तो गर्म होते समय उसका जो पानी है वो सेंटर की तरफ जाएगा और आपका जो भी माल अंदर है, अगर वो चिकन रहे, फिश रहे, प्रॉन्स रहे, वो ऑटोमेटिकली वही पानी के स्टीम में पकेगा। साथ साथ में जो बाहर जैसे पत्ते जलते जा रहे हैं उसका जो स्मोक है वो भी पेनेट्रेट होगा, तो एक स्मोकीनेस भी आएगा, एक स्टीमिंग भी होगा, एक मॉइस्चर भी पकड़ के रखेगा, तो आपके प्रॉन्स है, फिश है, वो ड्राई आउट नहीं हो जाएगा। तो अगर आप टेक्निक के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। तो सूरज अब ढल चुका है, शाम हो चुकी है और हमारे प्रॉन्स जो है पिछले 15 से 20 मिनट से टीक के जो पत्ते हैं उसमें पक रहे हैं, अब शेफ ये तैयार हो चुके हैं? हाँ ये तैयार हो चुके हैं। ऑलराइट, अब बारी है इन्हें निकालने का और फिर टेस्ट करने का। चलिए शेफ। इमली के जो पत्ते हैं उनका जो फ्लेवर है निकल क्या है, जैसे आपने बोला था कि मतलब ये जो टीक के पत्ते हैं मॉइस्चर अभी भी प्रॉन्स के अंदर बिल्कुल बेकरार है, मतलब इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। काश आप भी मतलब हमारे साथ यहाँ पे बैठ के इस लॉस्ट रेसिपी को टेस्ट कर सकते तो हमारे साइड से आंध्रा और कोस्टल आंध्रा की कुकिंग को, यहाँ के कुक्स को और यहाँ की जो हिस्ट्री है और जो जो ट्रेडिशंस है कुकिंग के उस उन उन सबको ये रेसिपी का सलाम। जैसे समंदर की ये लहरें रेत को सागर की ओर खींचती है, वैसे ही आज उत्तर आंध्रा के भूले हुए स्वाद
हमें एक दूसरी सदी की ओर खींच ले गई, जहाँ ये एहसास हुआ कि वक्त के साथ हम कितना कुछ खो देते हैं। कोशिश यही है कि ऐसी ही लॉस्ट चीजों को एक बार फिर जिंदा करें।